हेलो बच्चों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पेपर तो आपने देख लिया होगा, ये पेपर अभी रिलीज हुआ है जस्ट सीबीएसई ऑफिशियल साइट पर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। ये पेपर स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, बेसिक वाला ये ना करें, बिकॉज इस पेपर का लेवल काफी हाई है। ये क्वेश्चन अगर हमने भी देखे थे तो हम भी हैरान हो गए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल। तो अगर आप भी इस पेपर को देखकर डिप्रेस हो गए हो तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज पेपर इतना टफ नहीं आता जितना ये बना हुआ है। बट आपको फिर भी लाइटली लेके नहीं चलना। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो अब स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये पेपर तो आपके लिए एक ट्रेलर है, फिल्म तो अभी आनी बाकी है। तो इसलिए अब ये भी मत सोचिए कि यार इतना टफ पेपर आएगा या फिर इससे लाइटली आएगा, आप अपनी तैयारी करके रखें। इस पेपर को आप जरूर करें, बिकॉज इस पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एडवांस टाइप के क्वेश्चन हैं, जो अभी तक आपने ना स्कूल में करे होंगे, ना अपने कोचिंग सेंटर में करे होंगे, ना अपने प्री बोर्ड एग्जाम में देखे होंगे, और कोई भी सैंपल पेपर में इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन नहीं है। बिकॉज सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन डालने वाला है वो किसी को भी नहीं पता होता, बट सीबीएसई वालों ने आपके लिए एक आखिरी मौका दे दिया है, तो इन पेपर को जरूर करें, बिकॉज सीबीएसई जैसा पेपर डालता है वैसा ही वो एक पैटर्न का एक प्रैक्टिस पेपर भी देता है। तो इस करके इस पेपर को जरूर करें। आई नो इस पेपर को देखकर लॉट ऑफ स्टूडेंट डिप्रेस हो गए कि यार हमने तो अभी तक इतनी तैयारी करी नहीं तो हम कैसे करेंगे, और लॉट ऑफ स्टूडेंट ये सोच रहे कि यार हमने स्टैंडर्ड लेके गलती कर दी, अब हमारा क्या होगा, मार्क्स कैसे आएंगे। तो ये सारी चीजों को मत सोचें, अब अपना पूरा कंसेंट्रेशन दे पढ़ाई पर। अभी आपके पास सिर्फ 10-15 दिन बचे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज आपके पास सिर्फ एक मैथ सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास अदर सब्जेक्ट भी है जिसको आपने टाइम से पहले कंप्लीट करना है। तो इसलिए आप घबराए ना, इस पेपर को प्रैक्टिस करें और अपनी जो जैसे तैयारी कर रहे थे उससे और डबल तैयारी कर दें। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो अभी तक सो रहे हैं। भाई तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो कि पेपर होंगे नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, पेपर होंगे और जरूर होंगे। तो इसलिए अपनी तैयारी स्टार्ट करें और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही कहने आया था कि इस पेपर को देखकर डिप्रेस मत हो, ये पेपर आपके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस पेपर है। तो इसलिए इस पेपर को जरूर करें और जैसे आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप डबल और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अगर आप सोच रहे हो कि 3 सैंपल पेपर कर रहे हो तो 10 करो, अपनी तैयारी जबरदस्त करके जाओ और एनसीईआरटी को जरूर करके जाना। बच्चे क्या करते हैं, दूसरी बुक कर लो, भाई पहले एनसीईआरटी तो कर लो। तो इसलिए एनसीईआरटी करो जरूर। तो आई होप आपको मेरा ये मैसेज अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो हर एक बच्चे को ये मैसेज पता चलना चाहिए और डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। अभी आपके पास टाइम कम है तो इसलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।